أبكى سوره العفو 157 نادى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعملهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم फल लदी नाम व अजरूहू व नरूह व तब नूर लदी उन माह ये जो आयत मैंने पूरी सूरफ वन फिफ्टी पढ़ी है ये माशे में इसको कौन क्या कहता है अभी मैंने आपको बताया ये पैदाइश कहाँ हुई है तो उम्मी उम्मी कहाँ के रहने वाले हैं तो ये उम्मी नबी कौन हुआ ईसा सलाम हो <laughs> गए अच्छा अभी और देखिए अभी एक इसने उनको लिखा हुआ पाते हैं इन दम फिर उनके साथ तोड़जी थी उनको पैदाइश पैदाइश पढ़ उनको सिखा दी अच्छा अब सुनते जाइए जरा इन दम फिर या मारू बिलमुफ अनिल मुनकर अब ये देखिए एक और बात दिखे वही बात वहीलिमायफ अच्छा मैं एक बताता चलूँ आपको कि कुरान मजीद में आप रेफरेंस के सिक्स की वन फोर्टी सिक्स सूर्य नाम सिक्स की वन फोर्टी सिक्स लिखे सुने आप लिख लिया आपने फिर लिख के निसा फोर की वन सिक्स जीरो फिर सूर्य लिख के अन सिक्सटीन की वन वन एट ये आपको मैंने रेफरेंस दिखा दिए अच्छा अब ये इन तीनों आयतों में एक बताने का मकसद ये कि अल्लाह ताला ने यहूदी धू हादू, हादू हैं अल्लाह ने उनके लिए हराम कर दिया था कुछ खाना जो हलाल था वो अनाम में से कुछ पोर्शंस या नाम तो उसमें से एक आयत मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर सूरह सुर फोर की ये मैं पढ़ रहा हूँ वन सिक्सटी बाकी दो आयतें मैं तीनों लिखा चुका हूँ आपको लिखा चुका हूँ लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ फोर की फबीदुलमिन बसब उनके जुल्म के मिनल मिनदीन हादू यहूदी ने जो जुल्म किया हर ना हमने हराम किया अलैहिम उनके ऊपर तो ये बात जो अच्छी चीज़ें थी हलाल को हराम कर दिया वह हिल्लत लम जो हलाल थी उनके लिए जो हलाल थी तयब चीज़ उनको हराम कर दिया वो वह बिस क्योंकि वो रोकते थे अल्लाह की राह से कसरत से तो अल्लाह ने हलाल चीज़ को हराम कर दिया था ये बात समझ में हरियाल के यानी कि हादू जो थे हादू उन्होंने हलाल हलाल को हराम कर लिया था और एक और जगह लिखा हुआ है सूरह सूर इमरान 3... थ्री नाइनटी थ्री याद लिख लें कुलतमी काना हल्ल बनी इसराइल इलाम हर्रमा इसराइल नफसी मिन कबली अन तनजर तौरा कुल फातुब तौरा फतलू इन तुम सादिकीन सारा खाना हलाल तब बनी इसराइल के लिए सुनिए सारा खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए सिवाय इसराइल ने हराम कर लिया अपने नफ्स के ऊपर तोलात के नजूल से पहले ये सारा खाना जो अनाम से आता है अनाम से मतलब बकरे मवेशी से आ रहा है गाय वो हलाल था सिवाय इस्राइल ने हराम कर लिया अपने नफ़्स के ऊपर उससे पहले के तोलात कानून नाजिल होता कानून में तोला कानून तौराद है अहकाम आए थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है हलाल क्या हराम किया है एक लेक्चर है तो अल्लाह कहता है कुल फातू क्या हो इसे ले के आओ तौरात फतलू आपस की तिलावत करो इनको तुम सार्दी अगर तुम सच्ची हो अब मैं आपको ये जो बताना चाह रहा हूँ कि हलाल और हराम का जिक्र पूरा लेक्चर है पूरा अलग से लेकिन यहाँ पर इस नबी ये जो नबी है ये हलाल कर रहा है हराम को हलाल कर रहा है ये नबी और यह कहाँ लिखा हुआ है ये आप जाएंगे इस सूर आल इमरान थी की पचास आयत में

और मैं आया हूँ तुम सब के पास तुम्हारे रब की आयत निशाने के साथ बस तुम सब अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और मेरी इताद करो तो जो जुन किया था किसने यहूदियों ने या इसराइल ने हराम कर लिया था अपने नफ्स के ऊपर वो कौन हलाल कर रहे या मैं बताऊँ कुरान में हलाल किसने किया जो हराम कर लिया था बस सब यहूदी ने जुल्म किया जब यहूदियों ने जुल्म किया तो अल्ला हराम कर दिया तो ईज इस्लाम ने हलाल किया है। ये कुरान में लिखा हुआ ये पढ़ रहा हूँ मैं सूर मारा फ़े सेवन की वन फिफ्टी सेवन में भी यही लिखा हुआ है वह यूहल्लूलहुम तयब व यूह आलिमाइस वन इसगलाल्लती कायनत आल अच्छा अब यहाँ पर उर्दू में वो लोग जो रसूल नबी उम्मी माँ बाल नबी की पैरवी करते हैं जिसको वो अपने पास तौरा क़ानून अंजील खुशखबरी में लिखा हुआ पाते हैं वो उन सब को अमर हुकुम करता है कि मारूफ़ जाने जाने पहचाने के साथ और उन सब को रोकता है मुनकर बहरूब के बारे में और वो उन सब के लिए हलाल करता है तैयबात अच्छी चीज़ों को जो वो उन सब पर हराम करता है ख़बाइश को बुरी चीज़ों को अब ये देखिए और उतारता है उनके बोझ और तो हथकरे पाबंदियाँ होती हैं ना ये पाबंदी लगाई हुई थी हमने तोक और जो उनके ऊपर थे पस वो लोग उसके साथ ईमान लाए और अच्छा अब अच्छा, ये ईमान लाने वालों की ये कि, फल लदीन आमनु भी फल लदीन आमन भी और बस वो लोग ईमान लाए इसके साथ ये है ना वज़रूह इसके मायने मैं कह रहा हूँ अगर आप जानते हैं ताज़ीरी कवानी ताजीरी कमानी पीने लो इसके मायने ये होते हैं कि जो हलाल था खाना जानवर जो भी उसको जो हराम किया अब वो हराम से जब वापस ईसा ने हलाल किया तो लोग नहीं खा रहे। ईसा <laughs> ने दाग कर दिया तो एक तरह अल्लाह कह रहा है उस उसकी जो जो उसने जो वो वापस हलाल किया तो उसका तुम उसको मानो वो अज़रूहू का मतलब है ताज़ीरी कवानी को मानो वह नसरू उसकी मदद करो यानी मैं अगर लेक्चर भी दे दूँ हलाल हराम का तब भी लोग वही करेंगे चला आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों पर तो जो ईमान लाएंगे फल लदीन आमन भी व आजरुह व नासरूहू अज़र व तज़ीरी कवानी को मानो यानी उस उसके जो उसने चेंज कर दिया पहले वो अल्लाह ने हलाल को हराम कर दिया था ना वो अगर आए थे जब मैं दिखाऊँ तो आप अल्लाह ने हराम किया था उनके बसवर जुल्म के यहूदियों ने जुल्म किया था और

किताब हकमत तौरात, इंजील बत छठा भी नूर आ गया नूर और इतबाकर नूर लदी उंजिल जो उसके साथ नाजिल हुई माँ नूर क्या है नई नहीं, नहीं बताएंगे पुराने पुराने में आ गए नूर क्या है जो ईसर साहब के नूर क्या है वेरी गुड ऑफ कोर्स नूर जो है ना रोशनी जो है वो होली स्पिरिट है जब भी आयत समझा अंधेरे में कुरान में अल्लाह कहता है अंधेरों से रोशनी तब लेके आता है जब हमें उसकी स्पिरिट आ जाती है तो हम बायदा रोशनी में आ जाते हैं तो वो अल्लाह कह रहे हैं व तब नूरधी उनजिल उसके साथ है वो वही बी रूहुदस तो वो वह रूल़ुद जो है उसके साथ है हजरत ईसा के साथ तो अल्लाह कह रहा है कि इतबाग उस रूलुदस की रूह की जो नूर है रोशनी है

तब तहतून कह दे कह लोगो बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ जिसके लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है नहीं है कोई इलाज सिवाय उसके वो जिंदगी और मौत देता है बस और उसके रसूल उम्मी नबी माँ वाले के साथ जो अल्लाह और उसके कलमात के साथ ईमान रखता है और तु, तुम सब उस नबी की पैरवी करो शायद कि तुम हिदायत पाओगे अब अगर आप यहाँ गौर करें शायद में दो रसूल हैं मतलब देखिए पहले कहता हैं कह दे रसूल जमिया कह दो इंसानो बेशक मैं रसूल हूँ तुम सब तरफ जमिया के मतलब सब यानी जब से आदम सिर से कामत तक के जमिया के लिए रसूल कौन हो सकता है मोहम्मद रसुल्ला या रूल अमीन वेरी गुड ये मोहम्मद रसोल्ला रूल अमीर आप जोड़ते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो कह दो वो जमिया है अब आ गए लिल्लदी मुल्क समाज लाइल ला। अब वही बता रहे वो बता रहा रसूल बता रहा है कौन रसूल मोहम्मद रसूल ये रसोलह अमीन मोहम्मद रसूल अमीन बता रहा है कि फ़ाह आमीन व रसूल नबी वो उसको बता रहा है कि रसूल नबी उम्मी पे भी मान लाओ

जब ने कहा, ने, क्या लोगों से कहा था अल्लाह के अलावा मुझको और मेरी माँ को दो हिला पकड़ो ये अल्लाह कह रहा है से क्या, तुमने कहा था क्या उस वाले दिन तुमने कहा था उससे कहा कि तू पाक है मेरे लिए नहीं था कि मैं ये कहता जो हरगिज मेरे लिए हक, हर, हर, हक के साथ नहीं था अगर मैं ये कहने वाला तो तहकी तो इसका इसके दूर आपको जूर होता जो मेरे नस है तो इम रखता है और तेरे नफ्स में नहीं रखता बेशक गैबों का इम रखने वाला है तो ये क़ायमत में इस्लाम ऐसी मैं बता रहा हूँ कि वो उम्मिया का लफ्ज़ जो है ना अल्लाह ने तक इस्तेमाल किया हुआ इस्लाम के लिए मेरी माँ इस्लाम के लिए ये, इस ये इस्तेमाल हुआ हुआ है